दरबार की मेरा अपना विजन है कि 1 करोड़ बच्चों का एजुकेशन विदाउट लोन कंप्लीट हो, जिससे कि हमारा देश जो देख रहा हूँ बड़े दूर दूर से आए हैं, तो निश्चित ही है कि पांडे जी जो आश्रम का संकल्प लिए हैं वो जरूर पूरा होगा और बहुत अच्छे से होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और इतनी लिट्टी चोखा तो एक बहाना है सबसे मुलाकात करने का और सभी तक अपनी बात पहुंचाने का, तो पांडे जी ने बात को पहुंचा दिया है। आप लोग भी थोड़ा विचार करिएगा जिससे जो सहयोग बन सके वो संस्था को आश्रम के लिए पांडे जी का जरूर सहयोग करें सभी लोग। आगे फ्यूचर में भी एक यादगार बनेगा आप सभी के लिए। बालाजी अस्पताल के माध्यम से बहुत सारे काम पांडे जी कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, उत्तर प्रदेश तक सिर्फ यही सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश तक कार्य कर रहे हैं। तो अस्पताल के विषय में अगर कुछ भी किसी को सहायता की जरूरत पड़ती है तो पांडे जी से जरूर संपर्क करें। फायदा इससे आपका ही होगा, नुकसान नहीं होगा,
इतना तो विश्वास है और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब आए यहाँ पे अमरनाथ की इस ऐतिहासिक नगरी में, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आभार आप सभी का, और इसको अच्छे से बनवाने में सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद है संजय चतुर्वेदी से। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। पांडे जी ने जो यह कार्य स्टार्ट किया है, यह बहुत ही दिव्य और पुनीत कार्य है। आज वही हमारे डॉक्टर साहब बैठे थे, हम लोग अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि जो कार्य डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये पता नहीं किसका अंश यहाँ कहाँ कब कब जुड़ जाएगा। ये कार्य हो रहा है लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ किस लोग कौन से आ जाएंगे, किसका यहाँ अंश जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को इसी चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि न जाने किसका यहाँ पे अंश जुड़ा है, हम लोगों से किसका अंश जुड़ा है। परमात्मा ने अगर हमको यहाँ भेजा है तो कुछ समय के बाद हम लोगों को पुनीत कार्य में लग जाना चाहिए। ऐसे भी तो हर आदमी 24 घंटा अपने लिए खुरापात से लेके समाज से हर तरह सोचता ही है, और अच्छे से बुरा, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा कर्म कर डालता अपने को बनाने में। हम लोग थोड़ा सा अपने जीवन का कुछ समय का हिस्सा निकाल करके इस पुनीत कार्य में लगना चाहिए। और हमारे पांडे जी तो ऐसे आदमी है कि हनुमान है, जिस कार्य को शुरू कर दो उसको पूर्ण होना ही है। मतलब खाली इतने है कि वो इस कार्य में इन्होंने शुरुआत किया है, लेकिन ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि हम लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएं और इसको संपूर्ण करें। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पे कि कुछ कारणवश, चाहे उनकी परिस्थिति वश, चाहे उनके कुछ ऐसी समझ, कब कहां किसकी किसकी आवश्यकता पड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो हो सकता है हम लोगों के भी जिनमें ऐसी ही कुछ परिस्थितियां ईश्वर ने बना के रखा है कि आप लोग इसमें जुड़ना है, तो हमको उसी को साक्षी, ईश्वर को साक्षी मान करके इसमें से लगना चाहिए। और मैं पांडे जी से बहुत विश्वास साथ यह बात कहता हूँ कि अहंकार बहुत दिव्य तरीके से बहुत समय पर पूर्ण होगा। यह आपका नहीं, सबका संकल्प है, हमारा संकल्प है, और हमारे से जितना भी हो सकेगा मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। हम आज 25 से 30 साल से जुड़े हुए हैं हम लोग, और इस चीज को आजीवन एक संकल्प है कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं जहां भी। और इसी कारण सब मैं अपना वचन बंद करता हूँ, और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। बालाजी हॉस्पिटल चलाने के माध्यम से ये वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं, तो सचमुच में आज समाज को बहुत जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि कोई पढ़ने बाहर जा रहा है, कोई नौकरी करने बाहर जा रहा है, तो उनको ये समस्या है कि अपने माता पिता को कहाँ रखे, कैसे रखे और कैसे देखभाल हो। तो कम से कम हमारा उनसे इसके विषय में चर्चा भी हुआ और बहुत सार्थक चर्चा हुआ। तो उसमें आपने बताया भी है कि जो कुछ ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो उसमें वास्तव में जरूरतमंद होंगे, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि उसमें कुछ ऐसे भी जरूर आप रखिए जो जैसे मजबूरी में नहीं देख पा रहे हैं, उनके माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, बाहर है, जैसा कि अभी मैडम ने बताया यहाँ पे दवाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। तो बहुत अच्छी पहल है, हम लोग इस वृद्धाश्रम के लिए जो है तन मन धन से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। समाज के और लोगों को मैं इस वृद्धाश्रम के लिए जरूर जोड़ूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि आपके आपका ये कार्य में जो भी समाज के लोगों की मदद हो सके वो हम सब यहाँ तक लाके पहुँचाएंगे। अभी तो मैं पहली बार आया हूँ आपके यहाँ, लेकिन ये पक्का मेरा वादा है कि मैं अपने साथ साथ अपने जो हमारे साथी हैं उन साथियों से मैं इस सेवा कार्य के लिए मैं जरूर मदद कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी को, जय श्री राम। डॉक्टर पांडे जी ने जो ये आश्रम का उद्देश्य रखा है ये साधारण सोच नहीं है, इस सोच के लिए बहुत बड़ा मंथन करना पड़ता है। उन्होंने ये जो सोच आई है, जैसा उन्होंने बताया कि किस माध्यम से सोच आई है, और इस सोच में इनकी जो ऑनेस्टी है, जो उन्होंने कार्यक्रम चालू किया है, इसमें सफलता पूरी मिलेगी। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए हैं सभी के मन में उनके प्रति प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, उसी के वजह से सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और लोग सोचते हैं कि 5-स्टार होटल बनाऊं, बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करूं, बड़े कार्य करूं, पर पांडे जी ने जो ये जो सोच रखी है वृद्धाश्रम की, ये साधारण सोच नहीं है, और ईश्वर इनके काम में सफलता देवे। और मैं सभी से एक प्रार्थना करूंगा कि इस कार्य में सब लोग अपना अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।
मैं पांडे सर से पिछले करीब 10 सालों से जुड़ा हुआ हूं और हर जगह हम लोग साथ में रहते हैं, बहुत सारे कार्य हम लोगों ने साथ में किए हैं और ये जो कार्य पांडे सर कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और भगवान इनकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। जो भी कार्य में हाथ डालेंगे डेफिनेटली वो पूरा होना ही होना है, ब्रह्मांड कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड आगे यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जो भी करें सब पूरे हो। जय श्री राम भैया। सभी लोगों को जय श्री राम। डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे आके जो बस्ती फसा दिए हैं हम लोगों को बड़े हर्ष की बात है और एक वृद्धा आश्रम भी बनाए हुए हैं और परशुराम जी का मंदिर भी बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग पांडे जी को बहुत सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। पांडे जी इसी तरह ब्राह्मण को प्रमुख गणमान्य लोग, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा लगा, कम से कम समाज में हमारे ऐसे व्यक्ति आए कि जिनके माँ बाप, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को त्याग दियो उनको अपनाने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है। और एक माँ बाप का भार एक बच्चा नहीं उठा पाता, लेकिन इन्होंने कितने माँ बाप को भार उठाने के लिए इन्होंने अपने आप में एक मजबूती बनाई है, जिसके लिए इनकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। और ऐसे ही हमारे समाज में ऐसे व्यक्तित्व वास्तव में सराहनीय है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे पीएस भैया ने जंगल में मंगल कर दिया है, ऐसा बना दिया यहाँ पे, जो कि वृद्धाश्रम के हिसाब से बनाए हैं, परशुराम भगवान का मंदिर बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है भैया का और हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जहां भी आदेश करते हैं वहां हम लोग पहुंच जाते हैं। और आप सभी को भी धन्यवाद, आप लोग सब हम सब आए यहाँ पे। जय श्री राम। जय विनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कर भंग इंद हिमाचल यमुना गंगा उचल जल धि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गा।